एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज मैं यहाँ पर ये देखने जा रही हूँ कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, कल देर रात तक ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, क्या कुछ इन्होंने कल देर रात तक आपको लेकर महसूस करा, क्या इन्होंने कल देर रात तक आपको महसूस करा भी या नहीं करा और किस तरह से करा। तो ये जो ढेर सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं, उन्हीं को यहाँ पर देखने की कोशिश करी जाएगी टैरो के माध्यम से। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि देखिए, रीडिंग जो भी होगी कलेक्टिव होगी, जनरल होगी, तो हर किसी से बात मिल पाना, रीडिंग का कनेक्ट हो पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जितनी बातें आपको कनेक्ट हो पाए वही आप लीजिएगा, बाकी की और लोगों को छोड़ देनी है। और उसकी अलग रीडिंग की शुरुआत से पहले अपने ईस्ट देव को ग्रेटिट्यूड ज़रूर से देना है कमेंट बॉक्स में जाकर, एंड रीडिंग के दौरान फोकस आपको अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले कल देर रात तक ये पर्सन किस एनर्जी में रहे। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए कल देर रात तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में रहे। यूनिवर्स गाइड कीजिए, देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी बताइए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। एक्सहॉशंस ट्रैवलिंग द लवर्स कंडीशनिंग गाइडेंस स्ट्रेस एंड बॉटम की एनर्जी है सप्रेशन। ठीक है, मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं कि आपके पर्सन ना थोड़े से झगड़ालू किस्म के हैं या शॉर्ट टेम्पर्ड ये पर्सन है, जैसे तुरंत इन्हें गुस्सा आ जाता है, जैसे कहते हैं ना ततैये के छत्ते की तरह है ये, इन्हें कुछ कह दो ना तो एकदम से ये भड़बड़ाना शुरू कर देंगे, एकदम से उड़कर काटना शुरू कर देंगे। तो उस किस्म के मुझे इंसान दिख रहे हैं या करंट में ये पर्सन इस एनर्जी में है और कल देर रात तक भी पर्सन कुछ इसी तरह की एनर्जी में रहे हैं। राशियां डिस्कस कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि बहुत स्ट्रांग में दिख रहा है। उसके अलग टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जिसमें आपका कैप्रिकॉर्न मुझे काफ़ी स्ट्रांग में दिखाई दिया एंड जेमिनी, तो ये राशियां बहुत ज़्यादा स्ट्रांग में दिख रही हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ एनर्जी पड़ी जा रही है, आपको लेकर कैसा महसूस करा वो टैरो से देखा जाएगा, तो राशियां डिस्कस करी जाएंगी। ठीक है, अभी इतना देखते हैं कल देर रात तक ये पर्सन किस एनर्जी में रहे। देखिए, ऐसा दिख रहा है कि कल देर रात तक ये पर्सन ओवरऑल इस एनर्जी में रहे। छोटी छोटी सी बातें ऐसी लग रही थी जैसे कि इन्हें ना टीज करने के लिए ये बातें बोली जा रही हूँ। छोटी छोटी सी बातें ने ऐसा लग रहा था कि जानबूझकर बोली जा रही है, इन्हें हर्ट करने के लिए बोली जा रही है, और ये पर्सन उन छोटी छोटी सी बातों पर लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रहे। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन थोड़ा सा ना इरिटेट अब जल्दी हो जाने लगते हैं, परेशान जल्दी होने लग रहे हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना तुरंत लड़ने भिड़ने के लिए तैयार होने लगे हैं। और इन सबके पीछे की वजह इतनी है कि इस पर्सन के मन में तो स्ट्रेस है लेकिन ये उस स्ट्रेस को बाहर लेकर नहीं आ पा रहे हैं, चाहते हैं कि वो ये बाहर निकाले, अपने स्ट्रेस को बाहर निकाले, बताएं कि मन में तूफान चल रहा है, मन में युद्ध चल रहा है, दिल और दिमाग के बीच में लड़ाई छिड़ी हुई है, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। इस रीज़न की वजह से अंदर ही अंदर ये पर्सन घुट रहे हैं और कल देर रात तक भी इस घुटन की वजह से ये हर किसी से लड़ने के लिए तैयार रहे हैं। चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं कि अब इस पर्सन से ना इनके परिवार वालों ने, दोस्तों यारों ने, इनके कलीग्स ने भी बात करना कम कर दिया हो, लिमिटेड बात करनी शुरू कर दी हो, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि इंसान ना बात बात पर लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार हो जाता है या हो जाती है। और कल देर रात तक भी ऐसी ही इनकी एनर्जीज रही। और देखो, यहाँ पे आपको ये मानना पड़ेगा इस पर्सन के स्ट्रेस के पीछे की वजह, गुस्से के पीछे की वजह, ये घुटन के पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ प्यार है, आपका साथ है, ये रिश्ता है,
जिस भी तरह से इस रिश्ते में आपके करीब आए थे, आप दोनों एक दूसरे के करीब आए थे, ये पर्सन शायद उस वक्त पे इस चीज़ को नहीं समझ पाए कि आपके कितना करीब आ चुके हैं, या आपके दूर जाने के बाद इनकी क्या हालत हो जाएगी, ये कितने ज़्यादा स्ट्रेस में पहुंच जाएंगे, या अल्टीमेटली आपसे दूर जाने के बाद या आपको दूर करने के बाद सुकून से ये भी नहीं बैठ पाएंगे या आज़ाद तो ये भी नहीं हो पाएंगे। तो ये पर्सन ना कल देर रात तक इस एनर्जी में रहे कि ये आज भी आपसे आज़ाद नहीं हुए हैं, आज भी आप इनके दिल में हो, इनके दिमाग में हो, आज भी इनकी सोच आप में ही स्टक है, आज भी इनके पैर आप में ही स्टक है, और आज भी इनकी इच्छा यही है कि आपसे फिर से बात करना शुरू कर दे, फिर से आपकी तरफ बढ़े या आपको अपनी तरफ लेकर आए। और ये सब चीज़ें ये पर्सन कर नहीं पा रहे हैं ना, इसीलिए ये स्ट्रेस में रहते हैं, इसीलिए बड़बड़ाते रहते हैं, गुस्सा होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर इरीटेट होते रहते हैं। आप भी अगर इस पर्सन से बात करने की कोशिश कर रहे हो ना, हालांकि तो मुझे ये दिख रहा है नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जब आप कोशिश करते हो ना, तो आप ना इनके जले पर नमक डाल देते हो उस वे में कि भाई ये आपको पा नहीं सकते, या उस वे में कि भाई ये आज भी आप में स्टक है और आप इसे आपसे तो वैसे ही नहीं निकल पा रहे हैं, और आप फिर आकर इन्हें उस बात को याद दिला रहे हो, एहसास दिला रहे हो कि आज भी आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, प्यार तो करते हैं और उस प्यार की वजह से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी में ये पर्सन कल देर रात तक रहे हैं, बात करने की इनकी इच्छा होती है, ऐसा दिख रहा है जैसे कल देर रात भी जब ये चीज़ें इतनी स्ट्रेस दे रही थी तो दिल में इच्छा जाग रही थी कि ना आपसे बात करें, बताएं, क्योंकि किसी और को तो कुछ बता नहीं पा रहे हैं, अपनी हालत को बयान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कल देर रात तक ये इच्छा जागी कि आपसे बात करके बताएं कि यार मेरे दिल और दिमाग में कितनी लड़ाई चल रही है, आज भी मैं तुम में ही स्टक हूँ, मैं औरों जैसे बनने की कोशिश कर तो रहा हूँ या कर तो रही हूँ लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या तुम्हें साथ रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो उस तरह की लड़ाई इस पर्सन के दिल में थी और वो लड़ाई आपको बताना चाह रहे थे कि यार इतनी सी बात है जो कोई ना तो समझ पा रहा है और ना मैं समझा पा रहा हूँ। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है लेकिन कुछ ऐसा इनके दिल में कल देर रात तक रहा। इवन ऐसा लग रहा है कि इन्हें ना जैसे सब गाइड कर रहे हैं, इन्हें सब बता रहे हैं कि नहीं चलो ऐसे कर लो, और अब इन्हें वो गाइडेंस ना परेशान कर रही है और स्ट्रेस दे रही है, जैसे कहते हैं ना परिवार वाले सलाह दे रहे हैं भाई ऐसे कर लो, कोई बात नहीं, ये है तो इसमें अपने आप को ढाल लो। तो वो भी इन्हें अपने दुश्मन लग रहे थे कि और आ गए गाइड करने वाले, और आ गए समझाने वाले, ठीक है। और ये पर्सन किसी की सुनने वाली एनर्जी में कल देर रात तक नहीं रहे हैं, ठीक है, कल देर रात तो बिल्कुल भी नहीं रहे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए कल देर रात तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने कैसा महसूस करा, व्यूअर्स को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, यूनिवर्स गाइड कीजिए बताइए। यहाँ पे आपका एम्प्रेस आया है लेकिन ये रिवर्स्ड में आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स्ड, टेन ऑफ कप्स अपराइट, एस ऑफ वैंड्स अपराइट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स्ड, जजमेंट इन रिवर्स्ड। ऐसा दिख रहा है जैसे ना ये पर्सन ना, पहले निकाल लेते हैं, गाइड कीजिए बताइए यूनिवर्स, कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन ने कैसा महसूस करा, यूनिवर्स गाइड कीजिए बताइए। फोर ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो और जो यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग में राशियाँ दिखी हैं वो है, एक तो आपकी कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि, ये आपका जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला एंड कुंभ राशि हो गया, ये आपका टॉरस की एनर्जी है, ये आपकी सजिटेरियस की एनर्जी है, और ये आपकी स्कॉर्पियो। तो ये राशियाँ मुझे और यहाँ पर दिख रही हैं।
नंबर मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए 10 बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, एंड नंबर 7 यानी कि आपका जुलाई एंड अक्टूबर मंथ। तो चांसेस हैं जैसे ये इनका बर्थ मंथ हो, आपका बर्थ मंथ हो, आप इसी मंथ में मिले थे, या इसी मंथ में आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे, या फिर यहाँ पर ये चांसेस हैं कि आप दोनों का जो भी रिश्ता है वो 10 साल का या 7 साल का रहा है, 10 महीने या 7 महीने से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, दूरियाँ चल रही हैं, मन मुटाव चल रहे हैं, सेपरेट हो गए हो आप लोग एक दूसरे से। तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलना होगा। देखिए ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कल देर रात तक इस पर्सन ने ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करी है, बहुत ज़्यादा सोचा है इन्होंने, एज एन उस सोच की वजह से जैसे ये सो भी ना पाए हो, उस सोच की वजह से जैसे कि इस पर्सन को किसी भी तरह का सुकून भी नहीं मिला हो। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि आप जब एक बार किसी थॉट में उलझ जाते हैं ना, फिर उसके बाद हर तरह के थॉट्स आपके माइंड में इस कदर चलने लगते हैं कि कब वो आप पे कब्जा करने लगते हैं, आपको अपने शिकंजे में कैद कर लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। तो कल देर रात तक भी इस पर्सन के साथ ऐसा ही रहा कि अपने थॉट्स के शिकंजे में कुछ इस कदर फंस गए जिसके चलते ये पर्सन देर रात तक सो भी नहीं पाए हैं, या बस बैठे बैठे इन्हें जो भी नींद आई हो तो आई हो, वरना तो यहाँ पर मुझे चांसेस नहीं दिख रहे हैं कि ये सो भी पाए हों सुकून से या चंद पल भी। इनके दिल में कल देर रात तक इस तरह की कैलकुलेशन चलती रही कि जो आज हो रहा है ना, उस चीज़ की वजह से अल्टीमेटली इन्होंने जो आपके दिल में इन्होंने एक प्यार, इमोशंस, अट्रैक्शन, ये सभी चीज़ें देखी थी ना, वो सब इन्होंने खो दी। क्योंकि किसी का भरोसा जीतना, किसी के दिल को जीतना, किसी से प्यार करना, ये सभी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं। यूँ ही कोई किसी से नहीं जुड़ जाता, यूँ ही कोई किसी के लिए इस कदर पागल नहीं हो जाता या अट्रैक्टेड नहीं हो जाता। तो इनके दिल में कल देर रात तक ये चीज़ें चली कि जो भी अभी हो रहा है ना, इन सभी चीज़ों ने इन्हें ना आपकी नज़रों से गिरा दिया है, आपके दिल से उतार दिया है। आपके मन में जो इनके लिए भावनाएं थी, इज्जत थी, मान था, सम्मान था, वो सब गिरा दिया है। तो इनके दिल में ये डर, ये बेचैनी चल रही थी, और जिस रीज़न की वजह से ना ये पर्सन झल्लाए फिर रहे थे औरों पर, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि इन्होंने आपसे ही तो प्यार करा, आपसे ही तो वो इज्जत मिली इन्हें, वो सुकून मिला इन्हें, और वही चीज़ें अल्टीमेटली छिन गई हैं, और अब लोग आकर इन्हें गाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये पर्सन कल देर रात तक इतना ज़्यादा झल्लाते रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। बेसिकली इन्हें ना ये लग रहा था कि जो इन्होंने एक सपना देखा जिंदगी में, बस एक ऐसा सपना इन्होंने देखा जो इनका था, जो इन्होंने देखा अपने लिए देखा, अभी तक तो औरों के लिए जी रहे थे, औरों के लिए सपने देख रहे थे, लेकिन एक ऐसा ख्वाब इनका था जो इन्होंने खुद देखा, खुद इन्होंने इस पर भरोसा करा, और वही ख्वाब इनका इनसे दूर हो गया, उसी ख्वाब को यहाँ पर इनसे दूर कर दिया गया, या उसी ख्वाब को इनकी सामने एक ऐसा स्टार बनाकर रख दिया जिसे देख तो सकते हो लेकिन ना तो छू सकते हो ना महसूस कर सकते हो। तो इन्हें ना कल देर रात तक ऐसा कुछ महसूस होता रहा है। ये ना पर्सन बेसिकली कल देर रात तक आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट रहे हैं, मतलब ये आपसे जो बात करना चाह रहे थे ना, वो एक जुनून के लेवल तक जा रहा था कि मतलब मुझे उससे बात करनी है, लेकिन मुझे यहाँ पर रोका जा रहा है उससे बात करने के लिए, यू गाइड कर करके इस तरह से समझा कर। तो वो चीज़ें इन्हें इरिटेट कर रही थी, ये रीज़न है इस पर्सन का कल देर रात तक इरिटेट होने के पीछे का। इनको ये समझ में आ रहा था कि बेसिकली ना इन्हें बातों में लेकर स्टक करा जा रहा है, इन्हें बातों में लेकर आपकी तरफ वापस जाने से रोका जा रहा है, और ये नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन अपनी साइड से उन चीज़ों के लिए फ़ाइट करना भी चाह रहे हैं लेकिन ये फ़ाइट कर भी नहीं रहे हैं। तो वो बेचैनी इस पर्सन को कल देर रात तक रही है। इनके दिल में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चली हैं कि जो मेरे साथ हो रहा है डेफिनेटली, देखो ये कोई कार्मिक
है, ये कोई ऐसा कर्मा मेरे सामने आया है जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा या पा रही। तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि जो ख्वाब मैंने देखा या जिस ख्वाब को लेकर मैं हद से ज़्यादा अटैच्ड हुआ, वही ख्वाब मेरे हाथ में आकर मुझसे छिन रहा है। तो इनके दिल में ये चीज़ें चलती रहीं कि ये कोई कार्मिक ही है, कोई कर्मा ही है जो इस तरह से आ रहा है कि जाते हुए भी नहीं देख पा रहे और अपनी तरफ वापस से लेकर भी नहीं आ पा रहे हैं। तो वो चीज़ें ना इन्हें बेचैन करती रही हैं। आपको ये पर्सन डेफिनेटली सोल लेवल तक महसूस करना चाह रहे थे कल देर रात तक, लेकिन आपकी तरफ से इन्हें कोई सोल वाइब्रेशंस महसूस नहीं हुई जितना इन्होंने कोशिश करी है। और वही चीज़ें ना इन्हें ये एहसास दिला रही थी कि शायद अब आपके मन से दिल से ये उतर गए हैं। इनको ना जो आउटकम अब दिख रहा है या कल देर रात तक इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से जो आउटकम आया, वो बेसिकली इस पर्सन को एक्सेप्टेबल नहीं है। वो आउटकम इनकी तरफ इस वे में आया कि ये रिश्ता जो है वो यहीं तक था और इस पर अब फुल स्टॉप लग गया है। और ये पर्सन उस चीज़ का स्ट्रेस ले रहे थे क्योंकि ये उस आउटकम से खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है। इस रीज़न की वजह से इस पर्सन ने कल देर रात तक ना बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करी है या बहुत डिस्टर्ब ही रहे हैं। यानी कि ये पर्सन इस सच को ना एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे और इनको ये गाइड करा जा रहा था कि भाई ये आप दोनों का साथ इतने वक्त तक का था, अब यहाँ पे या यहाँ से अब इन्हें नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू करना है। और ये इनके लिए मानना बहुत ज़्यादा नामुमकिन जैसा हो रहा था। इसी रीज़न की वजह से आपके पार्टनर कल देर रात तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते रहे हैं और इनके दिल में इस तरह की आग रही कि सब लोग इन्हें बेसिकली अपनी जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जंजीरों में बांधने की कोशिश कर रहे हैं, स्टक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इन्हें बिल्कुल भी मानना नहीं है, ये इसके लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ युद्ध इस पर्सन के दिमाग में भी चला, ऐसा कुछ लड़ाई इस पर्सन के अपने घर परिवार या अपने जो भी इन्हें गाइड कर रहे हैं उनके साथ भी इनकी बनती रही है, ऐसा भी यहाँ पर है। ठीक है, देखिए मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं कि आप दोनों के बीच में किसी तरह की ऐसी कंडीशन, किसी ऐसी तरह की शर्त रखी गई है जो आपके लिए मानना नामुमकिन सा बन रहा है। ठीक है, अब वो शर्त ना आपके पार्टनर के मुँह से तो कही गई है लेकिन ये इनकी शर्त नहीं है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, कुछ लोगों के केस में यहाँ पे चांसेस हैं और देख लेते हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन कैसा महसूस करते रहे हैं, गाइड कीजिए द अराउजिंग बाइटिंग थ्रू एक्सेस। दो कार्ड्स आ गए हमारे यहाँ पे, द टेमिंग पावर ऑफ द ग्रेट एंड ये है आपका ऑपरेशन ऑब्सेशन सॉरी एंड बॉटम की एनर्जी है यूथफुल फॉली। देखिए इनको ना कल देर रात तक ऐसा लगता रहा कि बेसिकली जो इनके आसपास के लोग ये शर्त रख रहे हैं या इस तरह से इन्हें गाइड कर रहे हैं, बेसिकली ये इन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। इनके दिल में इस तरह की चीज़ें चली कि कोई इन्हें समझ नहीं रहा और या इवन इनके बिहेवियर को भी समझ नहीं पा रहा है कि इनके मन में कितनी लड़ाई चल रही है या कितने ज़्यादा ये मेंटली लेवल पर डिस्टर्ब है। और ये पर्सन जैसे अपने गुस्से से वो जाहिर करना चाह रहे थे कि समझे लोग, इनसे पूछे, इनके अपने इनसे पूछे या जिन्हें ये अपना मानते हैं वो समझे, इनको समझे, इनके बिहेवियर को समझे, तो ऐसी चीज़ें इनके मन में बहुत ज़्यादा चली हैं। स्ट्रेस लेवल इनका काफ़ी ज़्यादा हाई रहा है, बहुत ज़्यादा ओवरलोड रहा है डेफिनेटली इनको। इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि सारी दुनिया की जिम्मेदारी इनके ऊपर डाल दी है कि ये यही बस अपने लिए ना जिए, बाकी सब लोगों के लिए ये जिए या बाकी सब लोगों को खुश कर करके ये उनकी जिम्मेदारियों के तले इस कदर दब जाएं कि ये अपने सपनों को
या अपने आप को भूल ही जाए, तो वो स्ट्रेस इस पर्सन के दिल में कल देर रात तक चला है और ये पर्सन उससे फाइट कर रहे थे, उसके खिलाफ खड़े थे, उसके खिलाफ खड़े होना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितनी मैं कह रही हूँ या जितना आपको सुनाई दे रही है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं क्योंकि यहाँ पे जो जंग है, जो लड़ाई है इस पर्सन की अपनों से है, उन अपनों से है जिन्हें इन्होंने हमेशा माना है, पूजा है, उनकी हर एक बात को इन्होंने एक्सेप्ट करा है। और एकदम से इनका इतना बड़ा एक्शन लेना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर युद्ध, ऐसी कुछ लड़ाई इस पर्सन के मन में, इनके दिल में कल देर रात तक चली। ऐसा इन्हें ये लग रहा था कि ये ऐसे कट नहीं कर सकते हैं, इन्हें ये लग रहा था कि उन्हें एक तरह से ये चीज़ें कह के पनिश भी कर रहे हैं, लेकिन ये पनिशमेंट मेरी तरफ भी तो आ रहा है, इस तरह से मुझे भी तो पनिशमेंट यहाँ पर मिल रहा है। तो ओवरऑल आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बेचैन तो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब तो ये पर्सन रहे हैं इस चीज़ से। तो यहाँ पर देखो किसी भी तरह से इनकार करा ही नहीं जा सकता। चलिए देख लेते हैं आपसे कहना क्या चाह रहे थे पर्सन कल देर रात तक। यूनिवर्स गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए कहना क्या चाह रहे थे आखिर इनके पार्टनर। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए। यू फील लाइक होम टू मी, तो इनको डेफिनेटली देखो आपका साथ एक घर जैसा महसूस होता है और आपसे कहना भी चाह रहे थे कि तुम्हारे साथ ना मुझे घर जैसा महसूस होता है, क्योंकि अब इन्हें अपना ही घर जेल जैसा लगने लगा है। इसलिए यू आर ब्यूटिफुल आपसे कहना चाह रहे थे कि तुम बहुत खूबसूरत हो, बाहरी लुक की बात नहीं हो रही है, भीतरी तौर पर। आई डोंट वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट आपसे कहना चाह रहे थे कि कभी भी नहीं चाहते थे आपका दिल तोड़ना। आई वॉन्ट फ्रेंडशिप विद यू, इवन ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ वही दोस्ती रखना। इट रियली वॉज मी नॉट यू, इवन कहना चाह रहे थे कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारी वजह से ये चीज़ें हुई हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत मानना, ये सभी चीज़ें मेरी वजह से हुई हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शंस कहना चाह रहे हैं, अब डर लगता है रिजेक्शन से। एंड यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी, ये तो ये समझ गए हैं कि आप ही वो इंसान हो जिसने इन्हें जाना समझा और जैसे भी ये थे उन्हीं हालातों में इन्हें स्वीकार करा। तो आपसे ये भी कहना चाह रहे थे, ठीक है। चलिए मूनोलॉजी से देखते हैं इस रिश्ते के लिए मूनोलॉजी क्या बता रही है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। शो द वर्ल्ड द रियल यू, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड बॉटम की एनर्जी, हैव अ फेथ इन योर ड्रीम। तो बेसिकली ना यूनिवर्स यहाँ पे एक्शंस लेने के लिए बोल रही है, हो सके तो आप अगर एक्शन ले पाए तो यहाँ पर एक्शंस लेने की कोशिश आप कीजिएगा, ऐसा यूनिवर्स बोल रही है। यानी कि दुनिया को आपको दिखाना है कि आपके प्यार में कितनी पावर है, कितनी शक्ति है, या आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, कितने बोल्ड हैं, आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली यहाँ पर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है ताकि आप उन सपनों को पूरा कर पाएं जिन सपनों पर आपको भरोसा तो है लेकिन आप उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो। या फिर यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अपने भरोसे को इतना ज़्यादा मजबूत बनाए रखो, इतना स्ट्रांग बनाए रखो कि आपने जो ये सपना देखा है ये सपना डेफिनेटली पूरा होगा, ये पर्सन डेफिनेटली यहाँ से उठकर आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो अपने सपने को, अपनी उम्मीद को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत बनाए रखिएगा। तो ये आपसे बोला जा रहा है। तो दो यहाँ पर इन कार्ड्स का मतलब बनता है, तो तरह से ये बात बोल रहे हैं, आप जिस भी बात से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं उसी बात को आपको लेना है, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग, आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर।
चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आऊँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।